नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो वोल्टेज टेस्टर रहता है उसके बारे में आज लोग हम सीखेंगे। उसके तो मेरे पास दो टेस्टर है, एक जो है नियॉन लैंप वाला जो हम ट्रेडिशनली जो यूज़ करते आ रहे हैं वो वाला है, और ये मेरे पास एक डिजिटल वोल्टेज टेस्टर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या एडवांटेजेस है, ये मैं आपको आज बताऊँगा। ये जो हम काफ़ी पहले से यूज जो कर रहे हैं टेस्टर, ये टेस्टर प्लस स्क्रू ड्राइवर है। इसके लिए थोड़ा सा ये इसका साइज़ बड़ा है, जो नॉर्मल जो रहता है तो छोटा ही रहता है। तो इसमें नियॉन लैंप होता है, और ये अगर हम इसको जो अप्लाई वाला टर्मिनल रहता है इसको हम जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें नियॉन लैंप है, ग्लो हो जाएगा। इसमें नॉन कॉन्टैक्ट पावर सप्लाई डिटेक्शन नहीं होता है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, खाली नियॉन लैंप होता है, एक रजिस्टर होता है, और यहाँ पे हम लोग उंगली लगाने के बाद हमारा जो कनेक्शन है पूरा होने के बाद ये नियॉन लैंप ग्लो हो जाएगा जब यहाँ पे लाइव कनेक्शन होगा। ये डिजिटल टेस्टर है मेरे पास टफारिया का, इसमें हम लोग वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाएगा, ये यहाँ पे जो यहाँ पे टच पॉइंट है, जो ऊपर वाला टच पॉइंट है, वो टच पॉइंट लाइव वायर चेक करने के लिए होता है, लाइव और न्यूट्रल वायर चेक करने के लिए होता है। और ये जो नीचे वाला टच पॉइंट है, ये टच पॉइंट किसी वायर के अंदर पावर है नहीं है ये चेक करने के लिए होता है। तो हम लोग इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक नॉर्मल देखियो सिग्नल आता है जाता है, इसका मतलब है इसके अंदर अभी पावर है। और अगर हम वही रिपीट करेंगे न्यूट्रल वायर पे तो डिस्प्ले में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसका मतलब है इस ये न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है। हम लोग इसके ऊपर जो लाइव वायर रहती है वो कहीं अंदर से डैमेज है क्या, कट है क्या, वो भी हम इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम पकड़ के अभी जो डिस्प्ले है उसमें स्क्रीन में आप दिख रहा होगा, ऐसे हम इसको इसके ऊपर से ऐसे 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 घुमा के देख चेक कर सकते हैं। जहाँ पे सिग्नल जाएगा वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ यहाँ पे कहीं तो अंदर वायर है, कट है। तो ये डिजिटल टेस्टर का दो एडवांटेज है, इसके ऊपर हम लाइव वायर लाइव सप्लाई भी चेक कर सकते हैं, और ये जो इंसुलेटर वायर रहती है वो कहीं अंदर से डैमेज है क्या, वो भी हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हो, काफ़ी एडवांटेज है इसके। तो दोस्तों इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 100 के नीचे आपको मिलेगा मार्केट में, काफ़ी सस्ता है, रफ एंड टफ है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय दोस्तों।